हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर, इंडियन ब्लॉग का गौरव पर। मैं आपका अपना गौरव। तो शुरू करते हैं एक नए ताजा ब्लॉग को। तो नए ताजा ब्लॉग ही होते हैं डेली, क्योंकि पिछले बार तो जब मैं घूमने के लिए जा रहा था तो तब उसके बचे कुछ जो भी थे, मतलब कि रूटीन में चल रहे थे ब्लॉग, डेली के नहीं दिखा पा रहा था। तो अब तो डेली के ही आ रहे हैं। और आज का ब्लॉग जो है देखने को मिलेगा, जो मेरी शादी को एक मंथ हो गया, पर 7 तारीख थी, और उसका ब्लॉग देखने को मिलेगा। मैं शुरू का मैं इसलिए शूट कर रहा हूँ अभी आने के बाद ड्यूटी से, क्योंकि मैं कर नहीं पाया था, क्योंकि सुबह जल्दी निकल जाता हूँ यार, टाइम नहीं मिल पाता। जल्दी जल्दी में उठो, फिर तैयार हो, फिर जॉब पर जाओ, 2 दिन की और बात है, बस ऐसे ही लगा रहेगा। और आप इंजॉय कीजिए, फुल मौज मस्ती हुई है ब्लॉग में, और आप देखिए जितना प्यार देते आ रहे हैं तो प्यार दीजिए। तो मिलते हैं, इंजॉय कीजिए आप ब्लॉग को। बाय बाय, टाटा दोस्तों। हम आप कैसे हो? तो देखिए वर्षा जी, वर्षा जी और मैं क्या कर रहे हैं, देखिए हम कर रहे हैं फरसा। यहाँ पर मम्मी ने ना नेल पेंट गिना दी थी कल, मम्मी अपने नेल्स पर नेल पेंट लगा रही थी तो मम्मी ने ना धरती पे लगा दी, सीसी फूट गई। और यहाँ पर ना पूरे में नेल पेंट हो गया। अभी तो किट्टू ने साफ कर दिया, बोल रहा मैं बॉडी बिल्डर हूँ, किस काम आऊंगा, कुछ ना कर रही, साथ में पकड़ भी धो जाएगा। आज काफी दिन हो गए, शादी नहीं धोया था, और उसके बाद एक बार और धोया था, बस दो बार। अब तो डेली अम्मा जी की वर्षा आज कह रही अब डेली धो रहे हैं, ये तो अम्मा जी कर लिया, बब्बा जी की ड्यूटी में तैयार। हेलो, राम राम जी, बड़ों को राम राम, छोटों को प्यार और आशीर्वाद। तेरे बाबा जी अब कितनों ड्यूटी जाने वाले हैं, तो मैं कह रही थी चाय बना लो, मैं बना रही हूँ चाय। मैंने अभी कान्हा जी का पूजा किया, सब देवी देवताओं का दिया जलाया है, और मैं कर रही हूँ अब उनके ड्यूटी जाने की तैयारी। चाय बनाती हूँ, उन्हें नाश्ता लेती हूँ। तो चाची जी आ रही है, नहीं तो मैं आपको उनको भी मैं बता, चाची जी आ रही है ना। किट्टू ब्लॉगिंग कर रहा? हाँ जी, ठीक है, होगा। बता दे तुम्हें मेरा पेपर याद है? मम्मी कह रहे हैं कि पेपर हो, आज मेरा पेपर है ना, तो मुझे जाना होगा, तो आज यही ब्लॉग साफ कर देता हूँ मैं। किट्टू ताजा पानी में नहाएगा या गरम? उसमें गरम में ठंडा भी टैंक का है? नहीं बेटा, ठंड टैंक के में ना नहावे। किट्टू तने तो मुझे भी माफ कर दे भाई, कौन सा सब्जेक्ट का है पेपर? मेंढक एक जगह रुक जा। मेंढक एक जगह रुक जा, क्या बोलते हैं और मैं चलती हूँ रसोई में, देखती हूँ चाय बन गई क्या, क्योंकि गौरव के पापा के जाने का टाइम हो गया है, कभी भी बिना चाय पिए चल रहे। दोपहर का खाना आकर खाओ, ठीक है? मैं भी दे रही हूँ। अदिति की तैयारी हो गया घर जाने की, शुरू वर्षा लगा रही है मेहंदी, कल सिर पर लगाई थी, आज हाथों पर लगा रही है। नहीं नहीं है ना, इसलिए सोनी करके भेजनी पड़ेगी ना, वरना घर वाले अदिति का भाई आया हुआ है जो छोटा है अमित, जो फिर छुट्टी नहीं मिलेगी होली पे, इस वजह से कल लेकर जाएगा। मैं कोई बात नहीं बेटा, ले जाओ, और फिर होली के बाद आएगी अदिति। दोस्तों मैंने कहा था ना स्कूल में से आने के बाद मिलूंगा, तो मैं स्कूल में से आ गया हूँ, और आटो सर मैंने नहाया था, आपको दिखाया होगा, मैंने बनाया था, तो नहीं वो तो बात की बात है, वो तो मैं सुबह नहाया था, मैं वो तो भूल जाओ आप, तो मैं आ चुका हूँ। और बरसावाजी की अट्टो सर मेरे बरसावाजी बनाने लगी रस मलाई, वो भी गौरव जा चुके लिए। क्यों बना रही हो, क्यों बना रही हो, तो बता दे आज क्या हो गया है? आज एक मंथ कंप्लीट हो गया, बता दे शादी को क्या, 1 मंथ कंप्लीट हो गया ना चाचू की शादी को तेरी? 1 मंथ कंप्लीट हो गया, क्या है ये भाई, मेरे समझ में नहीं आया। मतलब शादी हुई थी ना 7 तारीख की, तो आज 7 तारीख है, तो 7 तारीख से 7 तारीख एक महीना हो गया चाचू की शादी को, महीना। हाँ, तो ये बना रही मैं रस मलाई, और बहुत सारा दूध मंगाया है, और वो भी थैली वाला, तो इन्होंने कितने कितने वाली थैली मंगाई थी? मैंने
आधी आधी किलो वाली मंगाई थी, चार के लिए 2 किलो, क्योंकि भैया बोल रहा है थोड़ी बनानी है, ज़्यादा नहीं बनानी है इसलिए। दोस्तों मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद, तो बाय बाय टाटा टिक्की, कम से कम 20 मिनट लगेगी। तो गाइस मम्मी सिखा रही है भाभी जी को कड़ी की पकौड़ी बनाना, भाभी जी ने कभी बनाई नहीं ना कड़ी की पकौड़ी, तो मम्मी सिखाने लग रही है फर्स्ट टाइम। ये हाँ भाभी जी ने बनाई, कड़ी भी छोकेगी, आता इस पे सब काम है ऐसी बात। टेस्टी टेस्टी कड़ी, भैया तो पूरा खुश हो रहा आज है ना, कड़ी बन रही तो खुशी हो। तो अभी जो ऑफिस आ रहा हूँ और मैंने स्टाफ ले लिया है, अभी केक लेने के लिए जा रहा हूँ कन्फेक्शनरी दुकान पर, तो सामने ही है, अभी चलते हैं दुकान यहाँ पर। और अभी चेक कर रहे हैं, ऐसा केक लिया है। भैया ड्यूटी से आ चुका है और भाभी जी को नहीं पता है कि भैया आ गया ड्यूटी से, तो अब भैया जाएगा। भाभी जी सुना देखो तो भाई जी देखिए केक आ गया है और ये बच्चे भी आ गए, वाह भाई वाह। अरे ये इसे जानते होगे रूही क्या आया आज जल्दी बताओ, रूही क्या आया आज जल्दी रूही बर्थडे पुष्पा एनिवर्सरी हैप्पी वन मंथ एनिवर्सरी हो गया। ये ले गई रुई, ठीक है। मैं एक चीज और लेकर आया था, वो तो मैंने आपको वीडियो में भी दिखाई क्या लेकर आया था, तो मैं अभी अदिति को भी नहीं पता कि मैं क्या लेकर आया था, अभी दिखाता हूँ, मैं लेकर आता हूँ तो वेट कीजिए आप। और इसको खोलते हैं, इसको लेते हैं, इसको बंद करते हैं, इसको लेकर चलते हैं और 2-3 कटोरी लेते हैं। आ जा जल्दी आ जल्दी आ, ऐसी चीज है नहीं जल्दी आ वाक्य। देगा भाई भाभी जी को तो देगा, मैं चुपचाप फोन करके बता देगा कुछ ले आ रहा है, मैं खाना मत खाओ, मैंने कड़ी चावल खाए इतने टेस्टी बने ना बहुत ज्यादा। तू तो बस चेली हो रही ना इसलिए बता नहीं सकता मैं कुछ। हाँ नहीं ऐसी चीजें नहीं मैं शेयर करने की अच्छी। ये देखिए खोल वर से खोल, बहुत बढ़िया है आइसक्रीम। तुम लेते रहियो ना 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 पापा जी तो जो करेंगे दांत में प्रॉब्लम हो रही है मम्मी खाने के लिए, तुम्हारे भी डाल के जानवर से अच्छा, सर्व कर दे हमारे लिए भी। अब मुझे अपने तो पता मैं कितनी खास हूं, किट्टू को ले जाइए ना, किट्टू तो मेरे में सिखाओ भाई, मैं क्यों भाभी जी सोते वक्त मैं मीठा नहीं खाया करती, क्यों नुकसान दे जाएगा, नहीं पता नहीं आदत नहीं है मुझे। मस्त है ना, मस्त है एकदम।